गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर जिले के 51 अस्पतालों के 84 बूथों पर कोविड टीकाकरण के लिए हुआ दूसरा पूर्वाभ्यास। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन से किया संवाद, तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के गन्ना मिल एवं चीनी उद्योग विभाग के मंत्री सुरेश पासी पत्रकारों से हुए रूबरू। कहा, केंद्र सरकार ने एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर किया 59,048 करोड़ रुपए, नए सत्र से होगा लागू। 12 और 13 जनवरी को आयोजित 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने लिए जायजा। लोगों से की अपील, कहा, महोत्सव में मास्क लगाकर ही आवें, मनोरंजन के साथ प्रदर्शनी का भी उठाएं लुत्फ। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बर्ड फ्लू की रोकथाम संबंधित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। कहा, अफवाहों पर ना दे ध्यान, जिले में कहीं नहीं है बर्ड फ्लू का प्रकोप। गोरखनाथ मंदिर में 14 जनवरी से शुरू होगा खिचड़ी मेला। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंडलायुक्त और डीआईजी के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ बैठकर बनाई गई योजना। मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा का लिया जायजा। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को ऐतिहासिक बनाने में जुटी योगी सरकार। सुंदरीकरण के साथ होगा वर्ष भर कार्यक्रम, डीएम ने कहा, भव्य तरीके से मनाया जाएगा शताब्दी वर्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। 12 और 13 जनवरी को चंपा देवी पार्क में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा जिला प्रशासन। एडीएम फाइनेंस ने कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ लोग उठा सकेंगे महोत्सव का लुत्फ। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के लिए एसबीआई ने किया 53,14,33,00,000 फाइनेंस। आज तक के जिले की सबसे अधिक निबंधन और स्टाम्प शुल्क 53,19,33,000 राजस्व उपनिबंधन कार्यालय में जमा कर किया गया मॉर्गेज रजिस्ट्री। नवागत एसपी रेलवे ने संभाला कार्यभार, ऑफिस का किया निरीक्षण। कहा, रेलवे स्टेशन परिसर को अपराध मुक्त बनाने सहित यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा ही होगी मुख्य प्राथमिकता। गोरखपुर में सोमवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,246। अब तक 351 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 234 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर महोत्सव को यादगार बनाने में लगा जिला प्रशासन। गोरखनाथ मंदिर से चंपा देवी पार्क तक पोस्टर और होल्डिंग के माध्यम से लोगों का ध्यान कराया आकृष्ट। महोत्सव में लोग मनोरंजन के साथ साहित्य और अन्य प्रदर्शनी का उठा सकेंगे लुत्फ। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी बैठक। कहा, सभी विभाग समय से कर ले तैयारियां पूरी, पूर्व की भांति ही मनाए गणतंत्र दिवस। स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के पूर्व संध्या पर रेत शिल्प के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। संयोजक ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को देश को नई दिशा देने का किया था काम, उनके विचारों से प्रेरणा ले युवा। और गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच पर 13 जनवरी को प्रस्तुत होने वाले भोजपुरी नाटक विदेशिया का मुक्ताकाशी मंच पर किया गया रिहर्सल। सदर सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद।